तो मुझे बहुत फोन कर रहे अच्छा थे। मदर्स डे तो मेरा है, तो डिसाइड तो मैं करूंगी ना कि मुझे क्या खाना है, क्या करना है। तो मदर्स डे में क्या खाओगे? मैं खाऊंगी हलवा पूरी। डैडी हलवा पूरी ऑर्डर करेगा इंडियन बाजार से। लगेगा मारेगा मुझे। बिहार से मैं देखे लिट्टी या हलवा पूरी खतरा है। हाँ मैं तुम्हें खिलाऊंगा एक चीज, लिट्टी। नहीं खाना मुझे। मम्मी को डिसाइड करना है, आपको थोड़ी डिसाइड करना है। ऐ मैं डिसाइड करूंगा। नहीं मम्मी डिसाइड करेगी। अच्छा निदान कल तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैं पहले जब उठेंगे ब्रश वर्ष खाने खाएंगे। हाँ फिर हम लोग वो बार्बर शॉप जाएंगे जहाँ हेयर कटिंग होता है गर्ल्स। तो हेयर कटिंग क्या कर, किसका हेयर कटिंग होगा? तुम्हारा। अच्छा उसके बाद? फिर उसके बाद क्लॉकर जाएंगे और तुम कुछ भी ले सकती हो तो, और डैडी पैसा देगा। डैडी किस लिए? तुम देगे ना बेटा। नहीं आप देंगे। क्यों? डैडी पैसा देंगे। तुम्हें तो पॉकेट मनी $10 तो मिलता है। मैं थोड़ी उसको तोड़ के निकाल सकता हूँ, फिर मुझे नेक्स्ट कम्युनिटी नाइट में लेना पड़ेगा। अच्छा कितना चतुर बाप, अपना नहीं निकाल सकता है। जब मैं बड़ा होगा तब भी तोड़ूंगा। वो बड़ा हो जाएगा बाप रे, उसी से अपना एजुकेशन पूरा करना। ओके तो तुम तोड़ दोगे ना तो मैं तुम्हें $10 दे दूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। सो गाइस हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। तो आज सुबह मुझे मिल गया है किचन से छुट्टी, क्योंकि रिदान ने पहले ही बोल दिया था कि आज पूरे दिन मम्मा खाना नहीं बनाएंगी। तो और देखती हूँ कि ब्रेकफास्ट में मुझे क्या मिलने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है, तब तक मैं रूम वगैरह ठीक कर देती हूँ। डैडी ऑर्डर करेंगे खाना। ओके डैडी ऑर्डर करेंगे खाना ब्रेकफास्ट से। पूरे दिन के लिए डैडी ऑर्डर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में आज मुझे क्या स्पेशल मिलता है खाने के लिए। सो गाइस ऐसा हो नहीं सकता कि मैं किचन में ना घुसूं, वो दिन कभी नहीं जिंदगी में आने वाला है। तो यहाँ पे मुझे लास्ट में किचन में आना ही पड़ा। तो आज का स्पेशल है पुआ, डिमांड है राजेश का, एंड आलू की सब्जी एंड पूरी। मेरा कुछ नहीं हो सकता, किचन में घुसूंगी ही घुसूंगी। लेट्स गो गाइस, आप ब्लॉग में कंटिन्यू करिए एंड अपने अपने मदर्स के लिए क्या 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 है, एंड आपके बच्चे अगर आप मदर हो तो आपके बच्चे ने आपके लिए क्या 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 है कमेंट में करके मुझे जरूर से बता रहा। ओके सो स्टे ट्यून विद मी, देखते हो आगे क्या होता है आज के दिन स्पेशल मेरे लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, तो मैंने एक पूड़ी एंड एक पुआ लिया है, एंड यहाँ पे मैंने सत्तू ड्रिंक लिया है। सो गाइज ये सत्तू ड्रिंक ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा दिखाओ, छोटे बच्चे अपना सत्तू ड्रिंक। तो इस छोटे बच्चे के लिए भी सत्तू ड्रिंक बहुत हेल्दी होता है, एंड बड़ों के लिए भी, और गर्मी में तो ये सबको सुबह सुबह ही पीना चाहिए। तो ये हमने घर से ही चना, जो नॉर्मल चना था उससे घर पे ही सत्तू बनाया, एंड बहुत टेस्टी है। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर इंजॉय करना। तो आपसे मिलती हूँ मैं ब्रेकफास्ट के बाद, बाय। अब हमें बाहर जाना है, तो बाहर जाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो रेडी होने के लिए मैं आपको बताती हूँ, तो पहले मैं प्राइमर लगाई, फिर 9 to 5 लैक्मे का बीबी क्रीम लगाई, एंड पूरे नेक एंड फेस में अप्लाई किया, फिर ब्लशर लगाया। पहले टिंट सोची थी पर फिर ब्लशर लगाया, फिर आँख में काजल लगाया। आईलाइनर आज मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो हेयर कॉम किया। फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने आईब्रो फिल नहीं किया, तो आईब्रो फिल किया, एंड लिप ग्लॉस लगाया, एंड हाईलाइट
हाइलाइटर से ही थोड़ी हाइलाइट किया एंड आईब्रो फिल वगैरह करके बस मैं हो गई रेडी। ये सिंपल सा ट्रिक है एंड थोड़ा सा हाइलाइटर ना आई लैशेज में भी लगा लिया। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी एंड ये है मेरा फुल लुक। सो बिल्कुल न्यूड लुक है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा ना कि मैं मेकअप की हूँ। तो मतलब ऐसी हल्के हल्के न्यूड न्यूड मेकअप करके अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहिए। मेकअप का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या बोलते हैं सो कॉल संस्कारी नहीं हो। एंड दूसरा क्या मैंने सुना है, सिंपल हो, सुशील हो, ये ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। अपने आप को, अपने स्किन को खुश रखने के लिए और ख़ुद को खुश रखने के लिए आपको थोड़ा मेकअप तो करना चाहिए। सो ये है मेरा आज का फुल लुक एंड मैंने बस ये ड्रेस पहना, ये दो बस। अब देखती हूँ कि ये लोग बाप बेटे मुझे, मैं इयररिंग्स पहनना भूल गई, तो ये बाप बेटे मुझे कहाँ लेके जाते हैं। प्लानिंग तो दोनों ने क्या किया है आई डोंट नो। सो लेट्स गो, मुझे भी कुछ पता नहीं इसलिए मैं पहले से कुछ नहीं बता सकती कि क्या है प्लान और क्या करने वाले। सो लेट्स गो एंड सी। तो गाइस रिदान मुझे लेके आया है टारगेट फॉर शॉपिंग। तो क्या क्या शॉपिंग कराओगे रिदान मुझे? ओके एंड हु विल गोइंग टू पे? डैडी इज गोइंग टू पे। आई कैन बाई एनी थिंग एंड डैडी इज गोइंग टू पे। मैं कुछ भी ले सकती हूँ और पति देव देंगे पैसा। मदर्स डे स्पेशल, थैंक यू रिदान, भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे। भगवान सबको रिदान जैसा बेटा दे, तो जो खरीद ले अपने पति के पैसे में। तो चलते हैं, देखती हूँ क्या पसंद आता है टारगेट से मुझे। लेट्स सी। सो गाइस बहुत घूमने के बाद अभी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। जो पसंद आया वो मेरे साइज का नहीं था, तो अभी मैंने एक लिया है पर वो आपको घर जाके दिखाऊंगी कि क्या लिया है। अभी शॉपिंग जारी है हमारी, जारी है। यहाँ पे हम लोग का पिज़्ज़ा आ गया, तो आज मैंने रिधान का फेवरेट पिज़्ज़ा मंगाया है क्योंकि उसे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, तो हमने भी सोचा चलो पिज़्ज़ा ही खा लेते। सो अभी हम ये डिनर पे करेंगे एंड केक वगैरह लाया है, वो डिनर के बाद कट करते। भाई मदर्स डे है और फादर केक काट रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू। अरे वो नाइफ से नहीं कटने वाला है, वो स्पून से खाने वाला है। स्पून लेके आओ। ओह लुक एट द केक, वाओ इट्स सो यम्मी। सो ये केक हमने ऐसा ये टब केक लाया है, टब केक। तो अभी ये पता नहीं कैसे कटेंगे। गाओ गाना हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे टू यू। Thank you. It's so yummy. So creamy. Yeah. कोई मुझे नहीं खिला, मैं खुद ही खा लेती, कोई बात नहीं। Thank you. So guys, ये टॉप है जो मैंने कल मदर्स डे में रिधान ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मुझे इसकी ज़रूरत थी। एक्चुअली मैं ये साड़ी के साथ पहनने के लिए ली हूँ टैंक टॉप एंड एक और ली हूँ, वो भी दिखाती हूँ आपको। सो ये पर्पल कलर का लिया है एंड ये $5 में टारगेट से आ गया, सो काफ़ी अच्छा था ये। एंड एक और दिखाती हूँ आपको। सो गाइस जो सेकेंड वन है ना वो ये है, ये मैंने QX से लिया है, मॉल से लिया था, ये टारगेट से नहीं लिया था। तो ये दो है एंड ये टॉप एक लिया है मैंने शर्ट स्टाइल में एंड ये बिल्कुल लूज़ वाला है, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। समर के टाइम है तो समर के जैसा थोड़ा अच्छा लग रहा है ये, तो ये मैंने लिया है। मुझे लग रहा है साइज़ में थोड़ा बड़ा है पर मुझे लूज़ ही चाहिए था थोड़ा, कि जो मेरे पूरे बॉडी का शेप ना शो करे, क्योंकि समर है ना तो समर में ऐसे लूज़ लूज़ अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने एक लूज़ लिया था एंड ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। तो आप भी कमेंट में बताओ कैसा लगा। Thank you.